नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर आपको आए दिन कोई ना कोई रिसेंट वीडियोस और टॉपिक्स पर मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आए दिन जो मैं देख रहा हूँ, जो यूट्यूबर फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, किस तरीके से अपनी वीडियोज़ को अपलोड करने में उन्हें दिक्कत होती है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताने आया हूँ जिससे अपनी वीडियोज़ को वो ग्रो करने में पूरा अपना योगदान दे पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूँ, तो उसको मैं शुरू करने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई भी वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और मैं आपको बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आप सबसे पहले कोई वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे वीडियो अपलोड करने से पहले आपको थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल सोचना पड़ता है, और जो भी वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है। तो ये सब आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे पहले आपको ये सब कुछ सोचना पड़ता है। तो ये सब मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको जब भी कोई वीडियो बनाओ तो उससे पहले वो टाइटल क्या रखना है वो आप बहुत अच्छे से सोच लें, और उसको किस तरीके से उसमें मतलब आपको ऐड करना है डिस्क्रिप्शन को, वो भी आप एक अच्छी मतलब उसको जो भी वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड उसका पहले ही डिस्क्रिप्शन बना के रख लें, जिससे जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उस समय आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए। और टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया, और जैसे ही आपकी वीडियो बन जाए तो वीडियो से रिलेटेड जो जो भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं वीडियो से रिलेटेड, वो आप अपने थंबनेल में दिखा सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो ग्रो होने में मतलब यूट्यूब आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये तीन काम करने पड़ेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि जैसे ज़्यादातर वीडियो जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे, तो जो यूट्यूबर जितने भी होते हैं यूट्यूबर, वो अपनी वीडियोज़ उस पर डालते हैं, तो उसमें जो भी उनकी पुरानी वीडियोज़ होती हैं, रिसेंट वीडियोज़ होती हैं, जो उन्हें अपनी वीडियोज़ के थ्रू दिखाने के लिए एक आई बटन का एक इस्तेमाल करते हैं और एक एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आप भी यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के बीच में। तो आई बटन का तो ये यूज है, जैसे आप मतलब वीडियो बना रहे हैं तो उसके बीच में आई बटन का यूज कर सकते हैं, उससे आप अपनी कोई भी जैसे वीडियो से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसके बाद एंड स्क्रीन पे यह है कि अगर आपको कोई भी वीडियोस में बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसमें मतलब उसको अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो एंड स्क्रीन में आप उसको लगाएं, जिससे कि जब भी आपकी कोई भी वीडियो ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन में जाके जैसे ही आपका वीडियो ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन में सजेशन देगा कोई भी जो रिसेंट वीडियो होगी, या और सब्सक्राइब करने का एक मोड देगा वो आपको जो भी वीडियोज आपकी देखेगा। तो ये दोनों से आपके बेनिफिट ये होगा कि आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और कोई वीडियो को आप अपने आप अगर रिकमेंड नहीं करवा रहे हैं तो उससे आई बटन और एंड स्क्रीन से ये भी एक फ़ायदा मिलेगा आपको कि डायरेक्ट जो भी व्यूअर आपकी वीडियो देखेगा उसको वो अच्छे से मतलब न्यू वीडियोज़ भी देख पाएगा, जो वो यूट्यूबर आप जो भी अपनी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो वो यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियोज़ को उस पर सजेशन में देगा। फिर अगला पॉइंट है, अगर जैसे कोई भी आप वीडियोज़ बना रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर आप जैसे मान लो यूट्यूब से रिलेटेड आप वीडियोज़ बना रहे हैं या कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं, मतलब कोई भी टॉपिक है आपका, तो उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बनाएं, जिससे जब भी कोई वीडियो आप बना रहे हैं तो उसके बाद आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि आप जो मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ उससे रिलेटेड एक आप जाके जो भी मेरी वीडियो है उससे रिलेटेड मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा व्यूअर जो होगा वो एक वीडियो देखने के बाद आपकी दूसरी वीडियो को भी देखेगा, तो उससे क्या होगा आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और लाइक भी बढ़ेंगे और कमेंट भी बढ़ेंगे, अगर उसको पसंद आएगी, और वो शेयर भी करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जब शेयर करेगा तो होपफुली आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद मैं अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और लास्ट में जो पॉइंट बताऊँगा वो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, अगला जो पॉइंट है वो है बिल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जैसा अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि आपकी वीडियोज़ ग्रो नहीं हो रही है या आपके मतलब उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप अपनी वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड कोई इमेज या पोल करवा सकते हैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में, जिससे कि जो भी जनता या जो भी आपके सब्सक्राइबर है वो आपकी वीडियो को देखेंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद उसमें अगर डायरेक्ट पोस्ट रहे तो आपको व्यूज़ आ ही जाएंगे, पर अगर कोई आपकी कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर रहा है तो उससे उसको डायरेक्ट वो लिंक मिलेगा, वहाँ से भी वो मतलब जो व्यूअर होंगे वो आपके यूट्यूब वीडियोस को उस लिंक से जाके ओपन करेंगे, और जहाँ पे आप पोल करवाएंगे वहाँ पे वो अपना रिएक्ट करके भी बताएंगे कि आपको किस तरीके का मैटर वो आपका लाइक कर रहे हैं,
जिससे आपको हेल्प होगी कि व्यूअर्स आपकी वीडियोस पे कौन से सेक्शन पे ज़्यादा आपका मतलब चेक कर रहे हैं और किस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप अपनी वीडियोस को जब आप नई वीडियो बनाएंगे तो और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो ये एक पॉइंट था। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट में जो बताने जा रहा हूँ वो दो पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि जो भी आप जिसका भी मतलब जो इंटरेस्ट है वीडियोज़ बनाने से रिलेटेड, जैसे अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्ट है या कुकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये नहीं कि किसी की देखा देख कर रहे हैं कि कहीं कोई ब्लॉग बना रहा हो तो आप ब्लॉग बना रहे हो, क्रिकेट के बना रहे हो तो क्रिकेट के बना रहे हो, नहीं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस वीडियोज़ को पूरी तरीके से अपने उसमें ऐड करें कि मतलब जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाऊँगा, जिससे क्या होता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो एक ही तरीके के आएंगे और फिर वो आपको जब भी हम वीडियोज़ को अपलोड करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखेंगे और नई नए सब्सक्राइबर भी उससे आपके गेन होंगे। तो ये एक पॉइंट था। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपको वीडियो जब भी बना रहे हो तो एक मतलब शेड्यूल बना लें कि एक कंसिस्टेंसी बना लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हैं तो एक हफ्ते के बाद वीडियो अगली डालें, और अगर आप दो दिन के बाद डाल रहे हैं तो दो दिन के बाद डालें, और अगर एक दिन के बाद डाल रहे हैं तो एक दिन के बाद डालें। तो वो चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी कि मेरे को मतलब मेरी कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं किस तरीके से वीडियोज़ डाल सकता हूँ। तो ये सब मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना आया था। तो होपफुली आपको पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे आप अगले किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और अगर इसमें कोई सा टॉपिक अगर आपको समझ में दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा वीडियो बना के और उसमें अच्छा कुछ बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।